हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी लर्न अबाउट डबल एपिस्ट्रॉप्स। यानी कि कल मैंने आपको बताया था सिर्फ एपिस्ट्रॉप के बारे में, नाउन से रिलेटेड एपिस्ट्रॉप कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारे डबल एपिस्ट्रॉप होते हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ हम डालते हैं डबल एपिस्ट्रॉप, डबल एपिस्ट्रॉप। डबल एपिस्ट्रॉप हमारा नाउन में यूज, डबल एपिस्ट्रॉप का प्रयोग बताएंगे आज हम आपको। डबल एपिस्ट्रॉप का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं डबल एपिस्ट्रॉप का प्रयोग। डबल एपिस्ट्रॉप का प्रयोग एक ही नाउन में दो बार करना गलत बात होती है। डबल एपिस्ट्रॉप का प्रयोग जब हम एक ही नाउन में दो बार करते हैं तो वह गलत होता है। ठीक है, डबल एपिस्ट्रॉप का प्रयोग सिर्फ हम नाउन में एक बार ही कर सकते हैं। जो डबल एपिस्ट्रॉप आते हैं ना, डबल एपिस्ट्रॉप, वो गलत हैं। नाउन में सिर्फ एक ही एपिस्ट्रॉप का यूज़ होता है, डबल एपिस्ट्रॉप का यूज़ बिल्कुल गलत होता है। तो मैं वही बताऊँगी यहाँ पर आपको। नाउन में, नाउन के साथ डबल एपिस्ट्रॉप का, डबल एपिस्ट्रॉप का यूज दो बार नहीं करना चाहिए, दो बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा गलत माना जाता है, यह हमारा गलत है, हमारा गलत है या गलत माना जाता है। हमें जो नाउन में डबल एपिस्ट्रॉप लगा देते हैं वो हमारे गलत होते हैं। नाउन में केवल एक ही एपिस्ट्रॉप का यूज़ होता है, ठीक है, दो एपिस्ट्रॉप का यूज़ नहीं होता है। तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कहाँ पे हमें एपिस्ट्रॉप का यूज़ करना है एंड कहाँ पे हमें एपिस्ट्रॉप का यूज़ नहीं करना है। ठीक है भाई, तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखूँ यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये एपिस्ट्रॉप, ये हमारा एक एपिस्ट्रॉप है। क्या है ये? हमारा एक एपिस्ट्रॉप है। एंड इसमें अगर हमारा क्या नाम है, दो एपिस्ट्रॉप आ जाए, एक ही सेंटेंस में हमारे क्या आ जाए, दो एपिस्ट्रॉप आ जाए, तो वह गलत है। मैं लिखूं यहाँ पे एग्जांपल में, एग्जांपल में हम लिखते हैं माय सिस्टर्स, माय सिस्टर्स सन्स फ्रेंड्स। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा माई हो गया मेरी, सिस्टर्स बहन, सन मतलब का बेटा, के फ्रेंड। ठीक है, ये हमारी, इसमें देखो एपिस्ट्रॉप दो बार नहीं, यहाँ पे तीन बार एपिस्ट्रॉप आ रहा है। तो एक से अगर ज़्यादा एपिस्ट्रॉप आए नाउन में तो वे गलत माने जाते हैं। हमारे जो एक सेंटेंस होता है सिर्फ उसमें एक ही एपिस्ट्रॉप लगना चाहिए, एक ही एपिस्ट्रॉप से पूरा सेंटेंस बनना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखते हैं यहाँ पे माई सिस्टर्स सन्स फ्रेंड्स, ये हमारा गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत माना जाएगा। तो इसका सही होगा द फ्रेंड, द फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें एपिस्ट्रॉप नहीं लगा रहे हम, इसमें हम अपना एपिस्ट्रॉप नहीं लगा रहे हैं। द फ्रेंड्स ऑफ माय सिस्टर सिस्टर्स सन, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें आपको मैं समझाती हूँ ये कैसे करेक्ट है, क्यों करेक्ट किया ये मैंने। ठीक है, द फ्रेंड्स मतलब द फ्रेंड्स दोस्त ऑफ माय सिस्टर्स सन, मतलब जो दोस्त हैं वह मेरी बहन के बेटे के हैं,
वह मेरी बहन की बेटे के है। ठीक है, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, बहुत सारे दोस्त। ऑफ माय मतलब मेरी, सिस्टर के साथ हमने यहाँ एपोस्ट्रॉफ लगाया, तो सिस्टर के लिए हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया। के बेटे के हैं, किसके हैं, मेरी बहन के बेटे के दोस्त हैं ये। ठीक है, ऊपर वाला गलत था एंड नीचे वाला ये हमारा करेक्ट है। जो मैंने ऊपर बताया था वो गलत था, ये वाला एंड नीचे वाला करेक्ट है। इसी तरीके से हम एक और देखेंगे इसी तरीके से हम। आई एम वेटिंग मतलब मैं वेटिंग, इंतजार किसका कर रहा हूं। आई एम वेटिंग माई ब्रदर ब्रदर्स सन ब्रदर फ्रेंड्स। इसमें भी हमारा डबल एपिस्ट्रॉप आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें भी हमारा डबल एपिस्ट्रॉप आ रहा है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है भाई, देखो एक तो यहाँ पे आ रहा है एपिस्ट्रॉप और एक एपिस्ट्रॉप आ रहा है यहाँ, तो ये क्या हो गए, हमारे डबल एपिस्ट्रॉप हो गए। बट हमारा एक ही नाउन में डबल एपिस्ट्रॉप लगाना गलत बात है, एक ही नाउन में डबल एपिस्ट्रॉप लगाना गलत बात है। इसको हम करेक्ट बनाएंगे, करेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं इसको। ठीक है, आई एम वेटिंग माई ब्रदर फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्या नाम है, मैं द फ्रेंड्स ऑफ माई, द फ्रेंड्स करते हैं पहले, द फ्रेंड्स, ये एपोस्ट्रॉफ में नहीं आ रहा, हमने एपोस्ट्रॉफ का चिन्ह नहीं लगाया। ये जो दोस्त हैं मतलब आई एम वेटिंग माई ब्रदर्स फ्रेंड्स मतलब मैं अपने भाई के दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो द फ्रेंड्स वेटिंग, द फ्रेंड्स आएगा पहले, द फ्रेंड्स माई ब्रदर। अब लगाएंगे हम एपिस्ट्रोप, द फ्रेंड्स माई ब्रदर, जो वो दोस्त हैं वो किसके हैं, मेरे भाई के हैं, और मैं उनका क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, ठीक है भाई, आई एम वेटिंग। तो ये इसी तरीके से हमारे डबल एपिस्ट्रॉप का यूज है, जो कि हम एक ही नाउन में बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। एपिस्ट्रॉप का एक ही बार यूज होगा, बार हम बार बार अगर हम यूज करेंगे तो वो गलत है। ठीक है, इसी को हम डबल एपिस्ट्रॉप के नाम से जानते हैं। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक अभी आपको करा दिया है, फटाफट से इसे नोट कीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको अब आगे बता दूँ। ठीक है भाई, इसे हम रफ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसके लिए हम एस या ईएस का प्रयोग करें या नहीं करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो हमारा डबल एपोस्ट्रॉफ का था, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे डबल एपोस्ट्रॉफ का भाई। इसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे, ये डबल एपिस्ट्रॉप की डेफिनेशन थी। एंड अब यहाँ पे हम उसकी लिखेंगे, निर्जीव वस्तुओं के साथ हमें एस या ई एस का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। ठीक है भाई, निर्जीव वस्तुओं के साथ हमें एस या ई एस का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, तो लिखते हैं यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग हमें, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के साथ हमें एस या ई एस का प्रयोग
नहीं करना चाहिए। भाई निर्जीव वस्तुओं के साथ हमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। मैं लिखूं यहाँ पे फोन्स कवर, क्या लिखती हूँ एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में लिखते हैं हम यहाँ पे, मैंने लिखा फोन, एपोस्ट्रोफ लगाया, फोन्स कवर। मैंने यहाँ पे लिखा क्या? फोन्स कवर लिखा है मैंने, तो यहाँ पे इसका यूज देखना हमें, एस या एस लगाना है या नहीं लगाना है। पहले देखेंगे इसका आंसर। ये फोन्स कवर है, ठीक है, मतलब फोन, एपिस्ट्रॉप का मतलब का कवर, फोन का कवर, ठीक है भाई, फोन का कवर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, कवर आएगा पहले, कवर ऑफ एपिस्टॉप एस हमारा हट जाएगा। मैंने क्या बोला? निर्जीव वस्तु के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही इसमें एस या एस का प्रयोग होता है, ठीक है भाई। ये हमारा एपिस्टॉप एस लग रहा था, ये हमारा हट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा हट जाएगा, कवर ऑफ फोन, कवर ऑफ फोन, ठीक है। इसी के तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल में, मैं लिखती हूँ लैपटॉप्स डिस्प्ले, क्या? लैपटॉप्स डिस्प्ले, यहाँ लिखते हैं हम लैपटॉप लैपटॉप्स डिस्प्ले, मतलब लैपटॉप डिस्प्ले मतलब ये हमारा लैपटॉप हो गया, पूरा बोल के बता रहे हैं हम आपको, ये हमारा क्या हो गया, लैपटॉप। एस एपोस्ट्रॉफ एस को हमने बोला का, क्या बोला, का लैपटॉप का या की डिस्प्ले, डिस्प्ले आप जानते होंगे, लैपटॉप की डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें हमारा हम बनाएंगे अभी इसको, इसी निर्जीव वस्तुओं के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारा गलत दे रखा है, इसको हमें सही बनाना है, क्या बनाना है, इसको हमें सही बनाना है। तो हम यहाँ बना देते हैं इसका सही आंसर, डिस्प्ले ऑफ लैपटॉप्स, डिस्प्ले ऑफ किसकी है, लैपटॉप, इसकी डिस्प्ले है वो, लैपटॉप की डिस्प्ले है। नॉर्मल सी बात है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एपोस्ट्रॉफ से करते हैं। नाउन के साथ अगर हमारे डबल एपिस्ट्रॉप आ जाए, एक ही नाउन में डबल एपिस्ट्रॉप आ जाए, तो उसमें हमारा क्या नाम है, डबल एपिस्ट्रॉप का यूज दो बार नहीं होता है, एक ही बार एपिस्ट्रॉप का यूज होगा। एक नाउन में अगर दो बार एपिस्ट्रॉप दे रखा है तो उसको हमें करेक्ट करना है, सही करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। वो मैंने अभी आपको बताई थी एग्जाम्पल के थ्रू। एंड ये मेरा दूसरा है, निर्जीव वस्तुओं के साथ हमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही एस या ईएस का प्रयोग होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया फोन कवर, मतलब फोन का कवर, अब इसको हमने करेक्ट बनाया, कवर ऑफ फोन, कवर ऑफ फोन, ठीक है। लैपटॉप्स डिस्प्ले, लैपटॉप्स डिस्प्ले, लैपटॉप की डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑफ लैपटॉप, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कीजिए, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत आगे बता दूं। फटाफट से हम इसे रफ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे जो हमारे कुछ नाउन ऐसे ऐसे होते हैं जो हमारे क्या नाम है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों से प्रदर्शित होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों से प्रदर्शित हो सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम आपको वही बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या कैसे होता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्रदर्शित, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों में से क्या प्रदर्शित होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है भाई। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन नोट करिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। किसमें होते हैं? दोनों में यूज होते हैं। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो दोनों सिंगुलर और प्लूरल में यूज होते हैं। ठीक है भाई, दोनों में यूज होते ऐसे। कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने दिया यहाँ पे आई एम, यहाँ हमने आई आई एम मतलब मैं, आई एम नहीं आएगा, आई ईट द, यहाँ हमने डेस किया, पहले हम लिखेंगे फिस, दूसरा लिखेंगे फिसेज। ठीक है, फिश और फिशेज। आई ईट द फिश आएगा या फिशेज आएगा? फिश आएगा या फिशेज आएगा। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर लेते हैं, बट हम एक वचन और बहुवचन के साथ यूज करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग। ठीक है, एस या ई एस का प्रयोग। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? एस, ई एस, एस या, ठीक है, एस या ई एस। ठीक है, अब वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे और प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे वो आपको खुद देखना है। मैंने लिखा आई ईट द फिश आएगा या फिशेज आएगा? फिशेज आएगा या फिशेज आए, बताओ, फिश आएगा, बताओ क्या आएगा दोनों में से, ये आएगा या ये आएगा, जल्दी बताइए। चलो हम ही बता देते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें हमारा आएगा फिश। मैं हमारा एक वचन है, अगर मैं की बात प्रेजेंट में करी जा रही है, प्रेजेंट में, तो वह एक वचन माना जाएगा। इन पास्ट और फ्यूचर में करी जा रही है तो वह हमारा प्लूरल माना जाएगा। अगर अभी बात की जा रही है तो वह क्या नाम है, सिंगुलर माना जाएगा। एंड पास्ट की और फ्यूचर की बात कर रहा है तो वह हमारा प्लूरल माना जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी हम आपको बता दें, आई ईट, आई मतलब ईट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, मछली, तो फिश आएगा इसमें, क्या आएगा, फिश आएगा, आई ईट द फिश। तो ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा करेक्ट है, ये एक हमारा इसमें से रॉन्ग है। एक और देखते हैं, आई सॉ द मैनी, आई सॉ द मैनी, या हम डैश करते हैं यहाँ पे, डियर, डियर या डियर्स, क्या आएगा बताइए, या हमारा डियर आएगा या डियर्स आएगा बताइए, क्या आएगा। आई सॉ द मैनी, डैश लगाया डियर्स या डियर, अब आपको खुद बताना है। देखिए भाई, इसको ध्यान से समझना है हमें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के देखना है। आई ईट द फिश मतलब मैं मछली खाता हूँ। ठीक है, मैं मछली खाता हूँ। आई हमारा एक वचन है, ये हमारे प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ फिश लगाया। ठीक है, आई सॉ, ये देखना कि हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म दिखा रहा है, देखना कि क्या बता रहा है इस बात सेंटेंस में, सेकंड फॉर्म बता रहा है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, डियर्स आएगा। आई सॉ द मैनी डियर्स। ठीक है भाई, तो यही हमारे नाउन में हमारा क्या है, हम अपने नाउन में एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर के साथ एस, सिंगुलर के साथ हमें देखना है किसका करना है, एंड प्लूरल के साथ किसका करना है। ठीक है भाई, एक एग्जांपल मैंने नहीं, एक नहीं, मैंने आपको दो बताए हैं। कितने बता दिए मैंने आपको? दो एग्जाम्पल तक बता दिए मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, चलो एक ऐसे ही बताते हैं हम आपको। फिस, फिस माने क्या हुआ, मछली। ठीक है, मैं लिखूं यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट माने फल। और मैंने लिखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे फिश हो गया, फ्रूट हो गया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ
होम, होम माने ये हमारे किस में आएंगे, सिंगुलर के साथ यूज होंगे, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे। एंड देन जब हम इसी का प्लूरल बनाएंगे तो फिश का क्या हो गया, फिशेज। ठीक है, दूसरा देखते हैं, फ्रूट का हो गया फ्रूट्स। तीसरा देखते हैं, होम का हो गया होम्स। ठीक है भाई, सिंगुलर के साथ एस ए एस का प्रयोग नहीं होता है, एंड प्लूरल के साथ एस ए एस का प्रयोग होता है। एंड हमें देखना भी है कैसे क्या यूज होगा। आई ईट द फिश इसीलिए आया क्योंकि आई हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हमारा आई हमेशा सिंगुलर माना जाता है। एंड आई सॉ द मैनी डियर, मतलब मैंने कुछ हिरन देखे, तो ये हमारी किसकी बात आ रही है, पास्ट की बात आ रही है, पास्ट से रिलेटेड बता रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए, पास्ट में बात आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ डियर्स लिखा। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि मैं आपको थोड़े बहुत आगे और वर्ड्स बता दूं इसी से रिलेटेड। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड। फटाफट से हम इसे रफ करते हैं। ठीक है भाई, अब हम आपको कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत अंतर लगेगा, आपने वो वर्ड कभी पढ़े नहीं होंगे या फिर पढ़े नहीं होंगे, नाउन में ही आते हैं वो। मैं लिखूँ यहाँ पे, मैं एक चीज़ लिखती हूँ यहाँ पे, क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पे, एक चीज़ लिखती हूँ, मैंने लिखा वुड। वुड माने क्या होता है, वुड माने होती है लकड़ी, लकड़ी। वुड माने क्या होता है, वुड माने होता है हमारा लकड़ी। एंड हम इसी वुड को वुड्स कर देंगे तो ये क्या हो गया हमारा, जंगल। क्या हो गया ये हमारा, ये हमारा हो गया जंगल। मैं लिखूं आयरन, आयरन माने हो गया हमारा लोहा। क्या हो गया हमारा, आयरन माने क्या हो गया हमारा, आयरन माने हो गया हमारा लोहा। एंड अगर हम यहीं पे कर दें आयरन्स, आयरन्स, आयरन्स माने होता है हमारा जंजीर। ठीक है भाई, आयरन्स माने क्या होता है हमारा, जंजीर। पहले हमने बताया आपको बुड़, बुड़ माने लकड़ी, बुड़ माने लकड़ी। दूसरा हमने सीखा, बता दिया बुड़ के साथ हमने एस का प्रयोग करा तो बुड्स माने हमारा क्या हो गया, जंजीर हो गया। क्या हो गया हमारा, बुड्स माने हमारा जंजीर हो गया। एंड मैं यहाँ पे लिखूं गुड, गुड माने अच्छा, और यहीं पे हम कर दें गुड्स, गुड्स माने होता है सामान। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये हमारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे मैंने इधर ये सब लिखा तो इनके पीछे अगर हम एस जोड़ देंगे तो इनका अर्थ अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। बुड माने होता है लकड़ी, तो बुड्स माने क्या हो गया, जंगल। आयरन माने होता है लोहा, आयरन्स माने क्या हो गया, जंजीर। गुड माने क्या होता है, अच्छा, और गुड्स माने क्या हो गया, सामान। गुड्स माने क्या हो गया, सामान। अब हम लिखे, हम यहाँ लिखते हैं वाटर, वाटर माने क्या होता है, पानी। एंड अगर हम यहाँ लिख दें वाटर्स, क्या, वाटर्स, तो बाटर्स माने क्या हो जाएगा, बाटर्स माने हमारा हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा हमारा, बाटर्स माने हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। अब मैं लिखू सेंट माने रेत, एंड मैं कर दू यहाँ सेंट्स, सेंडर कर दू, तो ये क्या हो गया हमारा, मैंने अगर यहाँ पे सेंडर कर दिया, सेंट्स कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा, रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान। ठीक है भाई, ऐसे वर्ड जिनके अगर हम लास्ट में नाउन में, हम नाउन के कुछ ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में अगर हम ऐसे एस का प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अर्थ भी चेंज हो जाता है, जैसे मैंने बुड़ बोला तो लकड़ी, आयरन माने बोला लोहा, गुड माने अच्छा, वाटर माने पानी, सैंड माने रेत, तो इनके हमारे चेंज हो गए, एस लगाने से ही चेंज हो गए। बुड्स माने जंगल, आयरन्स माने जंजीर, गुड्स माने सामान, बाटर, बाटर्स माने समुद्र, सेंट्स माने रेगिस्तान, क्या, रेगिस्तान। ठीक है भाई, फटाफट से इसे नोट कीजिए, अभी इसी से रिलेटेड और भी वर्ड्स बताऊंगी मैं आपको, यही वर्ड्स अभी आगे और रह गए उनको भी बताना है मुझे अभी आपको,
तो वो फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बताऊं आपको। आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूं एब्यूज, क्या लिखूं? एब्यूज, एब्यूज, एब्यूज माने क्या होता है भाई? गाली देना, गाली देना। एंड अगर हम इसके एब्यूज कर दें, एब्यूज एब्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? कुरीतिया, कुरीतिया, क्या? कुरीतियां, किसी में कुरीतियां निकालना, एब्यूज, एब्यूज यानी कि कुरीतियां, कुरीतियां, ठीक है भाई। एब्यूज मतलब कुरीतियां। मैंने लिखा यहाँ पे फ्रूट, पहले वो वाला मैंने बताया था, वो सिंगुलर और प्लुरल से रिलेटेड बताया था। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बता रही हूँ जैसे उसमें हम ऐसे एस जोड़ देते तो उनका अर्थ ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका अर्थ ही चेंज हो जाता है। मैंने लिखा फ्रूट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने लिखा यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट माने क्या होता है? फल होते हैं। एंड लिखते हैं पहले फ्रूट माने फल, एंड मैं यहाँ फ्रूट्स कर दूँ। फ्रूट्स माने मारा होता है नतीजा, क्या होता है? नतीजा, ठीक है। और देख लेते हैं अभी एक आध दो और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एयर, एयर माने होता है हवा। दूसरा लिखे हम एयर्स, मतलब दिखावट करना, दिखावट करना, ठीक है भाई। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और फटाफट से अभी मैं और बता देती हूँ, थोड़े बहुत और बता देते हैं हम आपको इसी में। मैं लिखूँ यहाँ ब्रदर, ब्रदर माने होता है भाई। एंड मैं ब्रोदेन कर दूँ, क्या कर दूँ? ब्रोदेन, ब्रोदेन, इसको समझना है आपको ढंग से। ब्रोदेन मतलब भाईचारा, अलग अलग धर्म से भाई, उनका चारा, उनकी दोस्ती। तो यहाँ लिखेंगे अलग अलग, अलग अलग धर्म से क्या? भाईचारा, भाईचारा, क्या? हमारा भाईचारा, ठीक है। अलग अलग धर्म से हमारा भाईचारा। एक और दो और देख लेते हैं अभी इसी में हम। मैं यहाँ पे लिखूँ क्लॉथ्स लिख दूं, क्या लिख दूं यहाँ पे? मैं क्लॉथ्स लिख रही हूँ। क्लॉथ्स मतलब होता है हमारे रेडीमेड कपड़े, क्या होता है? रेडीमेड कपड़े, सिले हुए कपड़े। तो यहाँ हम लिखेंगे सिले हुए कपड़े। एंड अगर यहाँ मैं कर दूं, ये हमारा क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स माने हमारे सिले हुए कपड़े। अगर हम इसको एस का ही प्रयोग करना है सिर्फ, इसमें ई एस आ रहा है, अब हमें क्लोथ्स कर दें तो ये हमारे क्या होते हैं? बिना सिले कपड़े, यानी कि कपड़ा खाली, बिना सिला कपड़ा, ठीक है भाई। फटाफट से इसे नोट कीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको कुछ और नया सिखाऊं आगे अलग, ठीक है भाई। जल्दी से नोट कीजिए। अब हम आपको बताएंगे, ये तो हमारे कुछ वर्ड्स थे, नाउन से रिलेटेड कुछ वर्ड थे जिसमें हम एस का प्रयोग कर देंगे तो वो उनका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका जो अर्थ था वो ही पूरा चेंज हो जाएगा। एंड अगर मैं अब मैं आपको बताऊंगी नाउन से रिलेटेड, सिंगुलर नाउन से रिलेटेड क्या बताऊंगी मैं आपको, नाउन से रिलेटेड बताऊंगी मैं आपको सिंगुलर नाउन, ऐसी कुछ बताऊंगी सिंगुलर से ही। पहले ऐसे रफ करते हैं।
थोड़ा बहुत पिछला रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है? थोड़ा बहुत पिछला रिवीजन कर लेते हैं। मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में बताती गई हूँ, तो अब पहले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका ही रिवीजन करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करेंगे। क्या करेंगे? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। मैं यहाँ पे अब आपको काउंटेबल बता देती हूँ। मैंने उस दिन आपको अनकाउंटेबल बताए थे, अब मैं आपको इसी में काउंटेबल बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? काउंटेबल, काउंटेबल, नाउन। काउंटेबल नाउन हमारे वे नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं वे हमारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। लिख लीजिए, जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते ठीक है भाई? जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है? अब एक और बात बता दें हम, काउंटेबल नाउन जो होते हैं हमारे, मैंने लिखा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल हमारे हमेशा सिंगुलर भी होते हैं और प्लुरल भी होते हैं। काउंटेबल नाउन हमारे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? हमारे सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। फटाफट से नोट कीजिए, बताते हैं हम आपको, ठीक है भाई? यहाँ पे देखते हैं हम, मैंने लिखा यहाँ पे ए पेन, ए पेन। हमने पेन को देखा, गिना और बताया। एक पेन, एक पेन मतलब एक कलम, तो वह क्या हो गया? सिंगुलर में आ गया, सिंगुलर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 pens, तो ये क्या हो गया? प्लूरल में आ गया, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, काउंटेबल नाउन जो होते हैं हमारे, वे हमारे सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमारे हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज एक वचन होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिखती हूँ, पुराना रिवीजन करा रहे हैं हम आपको। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। मैंने पेन को देखा, सुना, गिना और मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है? दूसरा हम देखते हैं, यहीं पे मैं लिखती हूँ 10,000, 10,000 पेन या पेन्स। अब बताइए इसमें 10,000 पेन दे रहा है और पेंस भी दे रहा है, तो हम आप किस पे सही करोगे, किस पे करेक्ट बताओ, किसे करेक्ट बताओगे? आई हैव वन पेन, ए पेन या वन पेन, मेरे पास एक पेन है, तो वह सिंगुलर में आया, है हमारा काउंटेबल ही, बट आया किस में? सिंगुलर नाउन में आया। मैंने बोला 10,000 पेन, तो ये हमारा प्लूरल है, इसमें हमारा पेन नहीं आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा? पेंस आएगा। क्या आएगा? पेंस आएगा। तो अब हम काउंटेबल नाउन बताते हैं क्या क्या होता है। काउंटेबल नाउन होता है, मैंने बोला मेरे पास 100 घड़ी है, मैंने घड़ियों को गिना, समझा, जाना और मैंने बताया कि मेरे पास 100 घड़ी है। अगर मैं बोलती मेरे पास मेरे पास सोना है, क्या है? मेरे पास सोना है, तो क्या हम सोने को गिन लेते? नहीं, तो वह हमारा होता अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। मैंने बोला मेरे पास 100 घड़ियां हैं, तो मैंने उनको गिना और आपको बताया मेरे पास क्या है? 100 घड़ियां हैं, ठीक है भाई? तो यही हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है? काउंटेबल नाउन हमारे सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं वे हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, और हमें जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है भाई? और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया, मेरे की जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन
कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे ये पांच नाउन होते हैं, नाउन के प्रकार होते हैं पांच। मैंने बोला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। इसमें से हमारे जो है क्या नाम है, एक समझाते हैं हम यहाँ पे आपको। इसमें हमारा जो है यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। हमारा प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर भी होता है एंड क्या होता है, प्लूरल भी। ठीक है, काउंटेबल। क्या बताया मैंने, काउंटेबल। जो हमारे मेटेरियल नाउन होते हैं ना, वो हमारा काउंटेबल होता है। क्या होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। काउंटेबल की बात हो रही है और उसमें हमारा सिंगुलर भी आता है एंड मैंने क्या कहा था, प्लूरल भी आता है। दूसरा हम आपको बता दें कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी हमारा सिंगुलर में आता है, सिंगुलर काउंटेबल होता है एंड प्लूरल काउंटेबल होता है, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, एक वचन की बात होगी तो एक, मतलब एक किसी व्यक्ति एक को गिनने की बात होगी तो एक आएगा, और बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो वो हमारा प्लूरल में आएगा, तो इसीलिए ये भी हमारा अकाउंटेबल नाउन ही है। और इसमें हमारा क्या आता है, सिंगुलर भी आता है एंड हमारा प्लूरल भी आता है। अब हम यहाँ लिखे हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। कुल मिला के इतना है, ये जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात होती है मेटेरियल नाउन की, मेटेरियल नाउन की। ठीक है, मेटेरियल नाउन की, जो कि हमारा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसकी मात्रा को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। पदार्थवाचक, क्या पदार्थवाचक, जो पदार्थ की चीजें, क्या आप उन्हें गिन लेंगे, पानी को गिन लेंगे, चीनी को गिन लेंगे, और जूस को गिन लेंगे, सोने को गिन लेंगे, चांदी को गिन लेंगे, बताओ गिन लेंगे, नहीं गिनेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे, हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। और हमारा लास्ट बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या बचा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये भी हमारा ऑलवेज क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। किसी की ईमानदारी को क्या आप नाप लोगे, तोल लोगे, नहीं, सॉरी सॉरी, किसी की ईमानदारी को क्या आप गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे। उसकी ईमानदारी को हम समझेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे कितना ईमानदार है, उसकी आत्माओं से उनके उसके भाव को पहचानेंगे, तोलेंगे, उसकी ईमानदारी को नापेंगे, तभी तो हम बताएंगे वह ईमानदार है या फिर वह बेईमान है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन एंड ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है भाई, आज हमारा नाउन का पूरा लेक्चर खत्म होता है। हमारे 7 लेक्चर तक हमारा क्या चला था, सिर्फ नाउन नाउन चला था। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या बताया था, पूरा मैंने आपको अल्फाबेट से लेके लेटर से लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच तक बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताई थी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है, कंजेक्शन, ये सब मैंने बताए थे। उसमें से फिर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक नेमिंग वर्ड लिया नाउन, जो कि मैंने नाउन के लेक्चर किए। 6 लेक्चर तक हमारा नाउन आज फिनिश हुआ है। ठीक है भाई, और हम आपको बता दें पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपको समझाया। और ठीक है भाई, मैंने बताया आपको अल्फ़ाबेट से लेके लेटर से लेके वर्ड तक बताए, फिर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, फिर मैंने नाउन समझाया आपको, नाउन के प्रकार समझाए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ नाउन बताए, नंबर ऑफ नाउन के बाद मैंने बताया प्रीपोजिशन वर्ड, प्रीपोजिशन वर्ड। ठीक है,
और मैंने ये भी बताया कि नाउन में मेन वर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और मैंने आज कल आपको बताया था एपोस्ट्रॉप्स के बारे में, एपोस्ट्रॉप का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, सेंटेंस को हम कैसे फिल करेंगे अगर एपोस्ट्रॉप से आ गया है तो एपोस्ट्रॉप कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। एंड आज मैंने आपको बताया डबल एपोस्ट्रॉप्स, डबल अगर हमारे किसी एक नाउन में डबल एपोस्ट्रॉप आ जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही को एपोस्ट्रॉप करेंगे, करेक्ट बनाएंगे पूरे सेंटेंस को, उसमें हमारा एक ही एपोस्ट्रॉप आएगा। डबल एपोस्ट्रॉप आएंगे तो वह गलत माना जाएगा। और मैंने आपको अभी ये भी बताया काउंटेबल नाउन बताए, अनकाउंटेबल नाउन बताए, एंड मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे नाउन में हम एस या ईएस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा एंड सिंगुलर रहेगा। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे जो कुछ वर्ड्स होते हैं अगर उसके हम अंत में लास्ट में एस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे तो उनका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था आपसे बुड बुड माने लकड़ी, बुड्स का क्या हो गया जंगल। मैंने बोला आयरन, आयरन माने लोहा, आयरन मतलब जंजीर, ठीक है। मैंने बोला ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर मतलब भाईचारा, ठीक है भाई। आज की वीडियो इतनी ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा नेक्स्ट वीडियो में चलेगा प्रोनाउन, क्या चलेगा प्रोनाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई।